जय हिंद। आप देख रहे हैं विद पे टीवी। मैं अरुण जायसवाल सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। आज मैं पुनः एक बहुत बड़ी खबर के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि इसमें पूरे मध्य प्रदेश में विकास यात्रा की लहर लगातार चालू है, उस विकास यात्रा में पूरे जितने भी जनपद में जो बैठे हुए लोग हों, चाहे जिले में बैठे हुए लोग हों, चाहे पूरे प्रदेश स्तर में बैठे हुए लोग हों, सभी लोग गाँव गाँव की समीक्षा कर रहे हैं। गाँव के जो विकास हो रहे हैं उस विकास को ढूंढने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच में रीवा जिले के अधीनस्थ नईगढ़ी जनपद अंतर्गत एक विकास यात्रा की बात हो रही थी, विकास की बातें चल रही थी। उस दौरान वहां पर जनपद अध्यक्ष जो थी ममता कुंज बिहारी जी थी, और उसे बीच में जो मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी भी उपस्थित थे, जहां पर कहीं न कहीं से आप जो सवाल होते हैं, सवाल विधानसभा अध्यक्ष के सामने ही ममता कुंज बिहारी तिवारी जो नईगढ़ी जनपद अध्यक्ष हैं उनके द्वारा किया गया, और जो सवाल थे जनता से जुड़े हुए थे। लेकिन उसी बीच में कहीं कहीं विधानसभा अध्यक्ष का जो बयान है, आज सबसे पहले आप बयान सुन लीजिए। सदस्य का वोट नहीं देनी है, सदस्य केवल ये गलत बोल रहे हैं ना, सदस्य नहीं चुने हैं से केवल जनपद सदस्य, मतलब ये कतई नहीं होता है। इस तरह से विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। नहीं बिल्कुल नहीं। आप सुने ये किस तरीके से, ये जो बघेली जो भाषा है उसका उपयोग करते हुए जो बोल रहे हैं, इनका वोट दिया है का जब नहीं दी है आ है तब काहे का कहते है हमारे जनपद के आही। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उनका साफ साफ कहना है कि जो जनपद अध्यक्ष है जो ममता कुंज बिहारी तिवारी जी हैं, उन्हें क्या आप वोट दिए हैं। यानी जिस पंचायत में ये बैठी थी तो उस पंचायत के लोगों से पूछ रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी पूछ रहे थे कि क्या आपने इनको वोट दिया है, अगर वोट आपने दिए हैं तो आखिर ये काहे की आपकी ये आपकी जनपद सदस्य हैं। ये बड़ी बातें ये कहीं ना कहीं से ये घुमा फिरा के पूरी तरह से वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन तस्वीरें मैं आपसे किसी भी से पूछना चाहता हूं, आप सबसे साझा करना चाहता हूं, जो मुझे बड़ी बुरी लगी कि क्या जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, हम सभी के मुखिया हैं, उसको हम कहीं ना कहीं सम्मान देते हैं और हमारे कुछ भी हो आखिर मध्य प्रदेश के मुखिया हैं तो क्या केवल बुधनी के ही नेता हैं, क्या बुधनी के ही और सेवक हैं, क्या आखिर बुधनी से विधानसभा का चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं तो आखिर मध्य प्रदेश से मुखिया कैसे बन जाते हैं। और यहां पर बात होती है कि जब यही विधानसभा अध्यक्ष जो गिरीश गौतम जी हैं देवतला विधानसभा से, वो कहीं ना कहीं से विधायक बनते हैं, यहां से चुनाव जीतते हैं, तो आखिर क्यों पूरे मध्य प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष की बात हो रही है, आखिर इनको कौन चुना है, आखिर जब चुने हैं तो आखिर ये अपनी जिम्मेदारी आखिर ये कैसे निभा रहे हैं। ये कहीं के बड़े सवाल होते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष क्या जिम्मेदारी होती है, आखिर इनकी जो बातें होती है ये कैसे उलट गई, कैसे ये अनबैलेंस हो गई। ये कई सवाल होते हैं जो कहीं कहीं विकास यात्रा की बातों में पूरी तरह से वीडियो वायरल हो रहा है। आप मैं पुनः मैं दिखाना चाहता हूँ तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें किस तरीके से हैं। पहले सवाल जो कर रही हैं ममता तिवारी जी, आप उनको सुन लीजिए। हम माननीय अध्यक्ष जी से पूछना चाहते हैं कि जो हमारे 2011 से मनरेगा मजदूरी है, क्या 204 रुपए रह जाएगी हमेशा, क्योंकि मजदूर भाई 204 रुपए में कैसे करी, पूरी महंगाई में 204 रुपए में कैसे काम हो पाएगा। मैं माननीय अध्यक्ष जी से पूछना चाहती हूँ तो हमारे सदन में नहीं उठता है, इस महंगाई में 204 रुपए में कैसे हो पाता है किसका। हम अपने घर में अगर मजदूर बुलाते हैं तो 500 या 400 रुपए लेते हैं, और जो मनरेगा की मजदूरी है 204 रुपए में कैसे कर पाएंगे। हमारी जो बहने कार्यकर्ता है 3000-4000 में, उनको 2-4 बार मीटिंग में बुला दिया गया तो कम से कम 1000 रुपए का टोल पेट्रोल अपना पूर्ण गति 2-4000 में कैसे सर हो पाएगा, आप ही बताइए। क्या सब योजनाएं इतने में रह जाएगी कि हमारे बहनों के लिए भी, मजदूर भाइयों के लिए भी, बाकी जो महिलाएं हैं उनके लिए भी कुछ बढ़ाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हमारे मजदूर भाई बहनों को भी देखें, अपने सदन में उठाएं, उनकी जो मजदूरी है बढ़ाई जाए, जो हमारे जो मनरेगा में मजदूरी आराम से उनको मिल पाए, और नाली एक लाइट की परेशानी हमारे जनपद पंचायत क्षेत्र में बहुत ही सारी परेशानियां हैं, केवल कहीं कहीं नहीं है। और माननीय अध्यक्ष जी से ये हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे माताएं बहने हैं उनका संबल कार्ड, राशन कार्ड, और जो उनकी पेंशन वृद्धा पेंशन, अगर हमारे पंचायत में भी सब काम होने लगे। और इसके बाद में आप देखें किस तरीके से कहीं कहीं से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी द्वारा
इनका वोट निकल के आए हो सदस्य नहीं बताते कि हमारे जम करके आए काहे सदस्य का वोट नहीं 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 सदस्य केवल दीसो ही नहीं है ये गलत बोल रहे हैं ना सदस्य नहीं चुने हैं से क्यों जनपद सदस्य मतलब ये कतई नहीं होता है इस तरह से विचार करने की आवश्यकता नहीं होती नहीं बिल्कुल नहीं। ये किस तरीके से रूप और महिला सशक्तिकरण का ये लगातार जो मध्य प्रदेश शासन की बात होती है मध्य प्रदेश शासन लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करता है लेकिन आखिर महिला सशक्तिकरण की आखिर ये क्यों ये इतना बड़ा उल्लंघन क्यों हुआ इनके सम्मान के साथ इतना बड़ा उल्लंघन क्यों हुआ आखिर जनपद की जो अध्यक्ष बन जाती है तो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है जो पूरे जनपद की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है पूरे जनपद का ख्याल करने की जिम्मेदारी होती है तो आखिर क्यों टीवी मेरे सवाल जय हिंद।